जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के प्रमुख अजीत जोगी विजय यात्रा के साथ बलौदा बाजार विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे। प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री अजीत जोगी का विजय रथ गार्डन चौक होते हुए अमेरा पलारी लवन पहुंचा। आतिशबाजी एवं बाइक रैली के साथ बलौदा बाजार पहुंचे ग्रामीणों द्वारा श्री जोगी का स्वागत के लिए बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे, जिनका जोगी ने अभिवादन स्वीकार किया। हजारों की संख्या में गार्डन चौक में आयोजित अजीत जोगी की सभा को सुनने बरसते पानी में भी लोग खड़े रहे। अजीत जोगी ने अपने भाषण में कहा कि जोगी सरकार यदि निर्वाचित होती है तो किसान भाइयों को 2500 समर्थन मूल्य और किसानों का कर्जा माफ करने तथा बेरोजगार युवकों को नौकरी देने का संकल्प लिया। श्री जोगी ने रमन सरकार को लबरा सरकार बताते हुए छत्तीसगढ़ के साथ छल करने की बात कहते हुए चुनाव में अजीत जोगी की पार्टी को वोट देने के लिए कहा। उन्होंने अपना चुनाव चिन्ह हल चलता किसान चिन्ह पर वोट डालने के लिए लोगों को प्रेरित किया और छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के सुप्रीमो अजीत जोगी ने कहा कि सरकार बनने पर पूरे प्रदेश में शराबबंदी किया जाएगा तथा प्रत्येक व्यक्ति को 35 किलो राशन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। जन्मी बच्ची के लिए 1,00,000 रुपए शासन द्वारा तत्काल डिपॉजिट किया जाएगा, जिससे उसकी शादी की उम्र तक वह पैसा बढ़ाकर 10,00,000 के आसपास हो जाएगा, जिससे वह खुशी के साथ लड़की की शादी कर सके। विधानसभा बालोदा बाजार प्रत्याशी प्रमोद शर्मा, परमेश्वर यादव, ललित योगेश बंजारे सहित जोगी कांग्रेस के नेताओं ने भी सभा को संबोधित किया। इस सभा में हजारों की संख्या में लोग बरसते पानी में सभा को सुनते रहे। बालोदा बाजार से संजय श्रीवास के साथ विनीत माहेश्वरी की रिपोर्ट।